आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की। राजधानी लखनऊ के पश्चिम विधानसभा से 2022 के विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे बसपा प्रत्याशी कायम रजा खान लगातार कई जिलों में शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ के पारा में कायम रजा पहुंचे, जहां भारतीय उदय निर्माण पार्टी के अध्यक्ष केडी शर्मा ने कायम रजा को पश्चिम क्षेत्र में पूर्ण समर्थन देने का बीड़ा उठाया, जिसके चलते कायम रजा पारा के डूडा कॉलोनी पहुंचे। इसी पर हमारी प्राइम टीवी की टीम ने उनसे खास बातचीत की। 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे सभी दावेदारों ने अपनी कमर कस ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त कायम रजा खान अपने एक अगले अपने जो विधानसभा क्षेत्र है, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से ही अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जहां उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में आना जाना शुरू कर दिया है। पहले पूर्वी मुद्दीन खेड़ा में इन्होंने शिरकत की थी, आज ये यहाँ पर डूडा कॉलोनी में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इनके शिरकत करने का क्या रीज़न है सीधे से बात करते हैं। तो आप ही पहले बताइए कि आज आप यहाँ डूडा कॉलोनी में आए हैं, तो क्या इस मकसद से आप यहाँ पर आए? देखिए, मकसद ये है कि हमारे बड़े भाई जो है केडी शर्मा जी हैं, इन्होंने हमारे छोटे भाई को समर्थन दिया है जी। तो भाई के घर पे आए हैं, पूरा तरह से इन्होंने समर्थन इस सीट पे किया है और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने बड़े भाई का। और इस सीट पे जिताने का भाई ने वादा कर लिया है, तो हम जीत के आ रहे हैं। बाकी ये है समर्थन की बात आपको, क्योंकि अभी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा और इस टाइम पे आप समर्थन के लिए आज यहाँ पर आए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, हमारे बड़े भाई हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो हमें हज़ारों वोट हमें मिल रहा है, तो हम इनके पास आएंगे नहीं जी। भाई जो जहाँ पे हमें जो भी मिलेगा हम मिलेंगे उससे जी। और ये तो हमारे बड़े भाई है, पूरा समर्थन हमारे लिए कर दिया पार्टी से, अपनी पूरी तरह से हमें साथ देने का वादा कर लिया। बाकी सर, जिस तरीके से आप हर क्षेत्र में आ जा रहे हैं, आपने लगातार लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, या आपने अलग अलग जन समस्याएं आपने देखी हैं, पूर्वी मुद्दीन खेड़ा में भी कई समस्याओं पर आपने काम किया है, इस क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए आप काम करने वाले हैं? इस क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, गिनती कहाँ तक गिनाई जाए। अभी आपने सर्वे करके आप देखिए, और शायद आपने किया भी है तो वो आप हैदर कैनाल देख लीजिए, पूरा रास्ता कहीं है नहीं लोगों को निकलने का। हमने कम से कम 100 डंपर मिट्टी वहाँ डलाई तो बेचारों को रास्ता निकलने का हुआ, और एक नाले पे पुलिया बनाई, रोड बनवाई, कम से कम 6-7 हमने वो ट्रांसफार्मर रखा है, 70-80 खंभे लगवाए। तो इस क्षेत्र में इस पुरानी आप नई बेल्ट जो लखनऊ की बसी है पश्चिम में, वो समझ लिए पूरे हालात ख़राब हैं, ना रास्ता है, ना लाइट है, ना पानी की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। तो इसी को लेकर हम मैदान में कूदे हैं और हम जीत जाएंगे तो सबसे पहले इस क्षेत्र का विकास करेंगे जो आज समस्याओं से ढेर लगा हुआ है। जैसा कि कायम रजा खान जी से ने बताया कि यहाँ पे डूडा कॉलोनी पर है, जहाँ पर उनके आज बड़े भाई साहब यहाँ पर उनके मौजूद हैं, जो भारतीय उदय निर्माण पार्टी से संबंधित हैं। इन्होंने आज इनसे समर्थन मांगा है, इनके अध्यक्ष हैं केडी शर्मा जी। तो केडी शर्मा जी से बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस पर, किस तरीके से वो कायम रजा खान को समर्थन देने वाले हैं। तो केडी सर, ये बताइए कि आप किस तरीके से आज कायम रजा खान का समर्थन करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समर्थन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, उसके कार्यों का होता है। इनके कार्य इस लायक हैं, जुझारू हैं, मेहनती हैं। विगत 3 वर्षों से इनकी कार्य प्रणाली को मैं नजर गड़ाए बैठा था। फर्क इतना था कि पार्टी में इनको नहीं जोड़ पाया, कुछ वजह ऐसी रही, अन्यथा मैं अपनी पार्टी से लड़ा था। इनका जो है नेचर बहुत अच्छा है। अन्य जो प्रत्याशी खड़े हैं वो अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं, दूसरे इनकी टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि ये शुरू से काम करते चले आए हैं। विकास के नाते मैंने एक सीट पर इनको समर्थन दिया है, एक सीट पर मैं इनको जी जान करके लड़ाऊंगा और जिताऊंगा, और भगवान चाहेगा तुम जीत के आएंगे। तो जिताने के लिए तो एक वोट बैंक की जरूरत पड़ती है, कितने वोट बैंक का आप इनके खाते में डालने वाले? ये मान के चलिए कि मैं पहले इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मुझे पूरा संज्ञान है, हजारों की तादाद में मेरे पीछे वोट खड़े, हजारों की तादाद में जी। और वो सब वोट ही नहीं का है। जी हाँ, बाकी और क्या आपका सहयोग रहेगा, किस तरीके से आप सहयोग करेंगे? हम तन मन धन से इनके साथ में हैं, जहाँ जैसी इच्छाएं आवश्यकताएं होंगी उसमें हम इनका पूरी तरह समर्थन करेंगे जी।
तो अभी भारतीय उदय पार्टी के केडी शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद थे, जो कायम रजा खान को यहाँ डूडा कॉलोनी से समर्थन करने वाले हैं। उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से उनका समर्थन करेंगे। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी, लखनऊ। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कल से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। वहीं कई जिलों में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन शाम 5 बजे प्रचार थम गया। इस बीच बिजनौर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। अब हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश का हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ेगा, दोनों मिलकर अब गरीबों से लड़ेंगे। राज्य सरकार की 5 साल की योजना को लेकर हम जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। आशीर्वाद लेने 17 में जो वादा मैं किया था उसको मैं पूर्ण किया हूं। अब 22 में जो वादा करूंगा उसको मैं पूरा करूंगा। पहली यह सरकार है जो गुंडागर्दी मुक्त शासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। पहली यह सरकार है जो एक ईमानदार नेतृत्व है और सक्षम नेतृत्व है। पूरा राज्य खुशहाल है और गरीबों का पहली बार कल्याण, 15 करोड़ लोगों को राशन देना, उनका सम्मान करना, कोरोना जैसे महामारी में वैश्विक महामारी में जान जहान की दोनों चिंता करना, टीकाकरण करवाना और आगे भी हम गरीबों के लिए पक्का मकान 43 लाख दिए हैं, गरीबों के लिए शौचालय दिए हैं, आयुष्मान का कार्ड दिया है। सपा का शासन है ने गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, राज को लूटे हैं, अराजकता का माहौल। सपा ने जब जब शासन है अराजकता का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल, बिल्कुल माहौल खराब है। आज शांति से लोग रह रहे हैं, शांति से, न कोई किसी को छेड़ रहा है, न बोल रहा है, शांति से लोग अपने दुकान पर बैठ रहे हैं, मकान पर बैठ रहे हैं, नहीं कोई सुरक्षित नहीं रहता था। तो कहाँ बीजेपी को लोगों ने मन बना, जनता जनार्दन ने मन बना लिया है, बीजेपी को लाएंगे, योगी सरकार लाएंगे और मोदी जी के आशीर्वाद से पुनः योगी सरकार आएगा। अलीगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 10 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार आज देर शाम थम गया। गांधी पार्क थाना इलाके में स्थित धनीपुर मंडी से कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। मतदान के दौरान पोलिंग बूथों पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं को मतदान के लिए एक दस्ताना उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना में पीड़ित और उसके लक्षण वाले मतदाताओं को आखिरी घंटे में मतदान करने का मौका मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सिल्वा कुमारी जी के अनुसार विधानसभा चुनाव में जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, वो वैकल्पिक दस्तावेज के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पोलिंग पार्टी की सुरक्षा देखी जाती है, वहीं जो थाने और चौकी होते हैं वो संबंधित केंद्र की सुरक्षा देखते हैं, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ पर आज विधानसभा वार पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हैं, उनकी अटेंडेंस चेक की जाती है और जो संबंधित पोलिंग पार्टीज हैं उनके साथ बसों में इनको रवाना किया जा रहा है। लगभग 700 के लगभग बसेस यहाँ से रवाना होंगी और वहीं रास्ते में भी इनके सुरक्षा के लिए जगह जगह हम लोगों के SHO चौकी इंचार्ज वगैरह लगे हैं। वेरियस डाइवर्जेंस हैं, कुछ बारिश जरूर हुई है लेकिन सब लोग अपना बारिश में भी डटे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगातार लोग जो पोलिंग पार्टीज हैं अपना काम कर रही हैं, बसों में बैठ रही हैं और रवाना होना शुरू हो गया। बारिश में सब कुछ खलल डाला है? बारिश में जो भी था एक चुनौती थी वो सबने स्वीकार की और उसमें फिर भी जो है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस हो, सबने मिल करके जो समस्याएँ आई थी उन सबको दूर करते हुए और जो निर्धारित हम लोगों का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका पालन। आज हमारे जनपद में पोलिंग पार्टी यहाँ मंडी से रवाना हो रही है तो सभी सामग्री लेकर के अभी थोड़ी देर में सब लोग निकल जाएंगे, उसका व्यवस्था यहाँ किया गया है। तो अभी आ रहे हैं पोलिंग पार्टियाँ तो पूरा करके फिर निकल जाएंगे। निष्पक्ष चुनाव होना है, ये इंस्ट्रक्शन सबको दिया गया है ताकि किसी तरीके का कोई तरीके का कोई गड़बड़ी वहाँ चुनाव को लेकर के ना हो। पूरा सावधानी रखते हुए करें और सभी वोटर को अच्छी तरीके से बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट भी जो भी सेक्टर जोनल उनको बताया गया है कि जितना ज़्यादा मतदान हो सकता है सबको व्यवस्था ऐसे रखे कि कोई किसी को दिक्कत ना हो। यूपी में विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है।
चुनावी माहौल में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर है, तो वही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम के प्रोग्राम को लेकर पुलिस प्रशासन ने इंतजाम भी किया है, जिसमें 2 SDG, 2 DIG समेत 5 SSP, 12 additional SSP इंस्पेक्टर समेत PSC फोर्स तैनात की गई है। प्रधानमंत्री सहारनपुर के रिमाउंड डिपो मैदान में जनसभा करेंगे, जहां पर पीएम के लिए वाटर प्रूफ मंच तैयार किया गया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी रिमाउंड डिपो के फील्ड निकट चेल चुंगी प्रातः 10 बजे यहां पहुंच रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद के सभी वासियों से, कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी जो भारत के नहीं विश्व के नेता हैं, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डबल इंजन की सरकार के दोनों पायलट कल सहारनपुर पहुँच रहे हैं। हम उनको विचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए भारी संख्या में सभा स्थल पहुँचे हैं। देवरिया में बसपा प्रत्याशी परवेज आलम ने नामांकन कर वापस लौटते समय मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना की। नामांकन के बाद परवेज आलम ने कहा कि जाति धर्म की नहीं, विकास रोजगार और उन्नति के पथ पर चलते हुए पत्थरदेवा विधानसभा को प्रदेश में एक नया मुकाम दिलाऊंगा। बता दें कि प्रत्याशी परवेज आलम ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद शहर के शिव मंदिर पहुंच बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। परवेज ने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय शाकिर अली हर तरह से लोगों की हक की लड़ाई लड़ते थे, उन्हें के पद पर चिन्हों पर मैं चल रहा हूँ। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश का अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम किसानों की आय दुगुना कर देंगे, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर देंगे, नौजवान को रोजगार दे देंगे और माँ बहनों की आबरू को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उसने वादा खिलाफ ही किया। और भाई जी, पत्थरदेवा विधानसभा में जातिकरण से भारतीय जनता पार्टी को बदल करके बहुजन समाज पार्टी को के हाथों में सरकार देने जा रही है। देखिए, मैं जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन पत्थरदेवा विधानसभा की जहां तक बात है, मुझे सभी समाज का भारी आशीर्वाद और जन समर्थन हासिल है। और निश्चित रूप से मैं आपसे बता दूं कि इस बार पूरे जनपद में पत्थरदेवा में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। और 2012 में हमने एक मंत्री को हराया था और 2022 में दोनों मंत्रियों को हराया। मिर्जापुर में भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई की तरफ से अहरौरा के बनस्थली महाविद्यालय के पास बन रहे नए टोल प्लाजा के विरोध किया गया। टोल प्लाजा का विरोध करते हुए किसानों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि यह टोल प्लाजा नियम के विरुद्ध बनाया जा रहा है, जबकि मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर के टोल प्लाजा बनाया है, फिर क्यों टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। इस मामले में हंगामा करते हुए किसानों ने टोल प्लाजा के प्रभारी को पत्र सौंप कर जनता के हित में कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सिद्धार्थ सिंह, जिलाध्यक्ष कंचन सिंह फौजी, तहसील अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के अलावा अन्य किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन, हम लोग आज यहाँ अरोरा वनस्थली के पास जो नया टोल प्लाजा लगाया जा रहा है, इसके विरोध में जो कि किसान हित जनहित में नहीं है, हम लोग इसके ज्ञापन देने आए हैं कि यह टोल नाका सही नहीं है। इसके पहले यहाँ से मात्र 15-16 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर में, जहाँ से रोड शुरू होती है, मात्र 3-4 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा लगाया गया है, तो फिर यहाँ लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, किसानों, व्यापारियों, यहाँ की जनता का शोषण होगा, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हम लोग अवगत कराने आए हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी को अवगत करा दिया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि इस टोल नाका को बंद कर दिया जाए। भारतीय किसान यूनियन की कैद, ये टोल प्लाजा एक तरह से किसानों की हत्या के बराबर है, क्योंकि 18-20 किलोमीटर में टोल प्लाजा लगाकर यह गवर्नमेंट बिल्कुल इन किसानों को जो अंतिम बूंद की खून तक चूसने का यह उपाय लगाए हैं, इसको तुरंत यहां से हटाना चाहिए, इसके लिए चाहे जितना भी।
तो वहीं गोरखपुर में नामांकन के आज पांचवें दिन कैंपियरगंज व सजनवा ग्रामीण सहित तमाम जगहों से प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया और जीतने का दावा भी किया। ऐसे में कैंपियरगंज से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी काजल साध ने कैंपियरगंज को गुलामी से आजाद दिलाने की बात कही है। कैंपियरगंज से जहां काजल साध है, तो वहीं खजनी से पूर्व राज्य मंत्री श्रीराम चौहान सहित खजनी के विद्यासागर प्रत्याशी काजल साध ने कहा है कि कैंपियरगंज की जनता गुलामी से है और गुलामी से आजादी दिलाने के लिए मैं आई हूं और जनता, युवा, बच्चों और महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। चुनौती तो अब उनके लिए हो गई है, मेरे लिए तो पहले भी कोई चुनौती नहीं थी। मंत्री जी जो है, जो कभी पैदल निकले ही नहीं थे, क्षेत्र का दौरा किया ही नहीं था ठीक से, जन जन से मिले ही नहीं थे, अब गाड़ी से नीचे उतरे हैं, पैदल उतरे हैं, अब लोगों में जा रहे हैं। लोग कहते हैं सिलापट वाले मंत्री जी हैं, सिलापट तो लगा देते हैं लेकिन रोडों की हालत अभी भी खस्ता हालत में है। कल ही मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, बच्चा बच्चा बिल्कुल मेरे साथ हो लेता है, सब महिलाएँ खुश हो जाती है, युवा सब जो है वो मेरा साथ दे रहे, कंधे से कंधा मिला कर चल रहे, बहुत ज़्यादा प्यारा समर्थन मिल रहा है। और लोगों में जी नहीं नहीं एज ए प्रत्याशी ही मिल रहा है, खुश है लोग, कोई आया है कैंपियरगंज को आज़ाद कराएगा। मंत्री जी जो मुकदमे लगा देते हैं, घर गिरवा देते हैं, घर सीज करवा देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि अब कोई आया है जो हमें आज़ाद करवाएगा। जी हमारे यहाँ चुनौतियाँ तो बहुत हैं, जैसे हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरह की समस्याएँ हैं। हमारे परिवार में वहाँ की जनता ने भरोसा जताया था 2002 में और 2007 में, तो उन 10 साल में हमने जितना हो पाया शिक्षा के संबंध में, मैंने दो दो पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराया, हरिहरपुर में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और ढेबरा के पूरब बनकटी में प्राइवेट पॉलिटेक्निक, जो आज़ादी के 75 साल के अंदर जो हमारे पूर्वांचल के बच्चों को मेरठ, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, अलीगढ़ जाना पड़ता था मजबूर होकर के, हम लोगों ने उनका पलायन रोका। मेरा चैलेंज है कि एक बार पूरी खुली पंचायत हो जाए पूरे खजनी विधानसभा में और सभी पार्टियों के कैंडिडेट को बुला लिया जाए, वो अपना काम न बताएं, अपने पार्टी का ही काम बता दें, और हम तो अपना भी काम बताएंगे और अपने पार्टी का भी काम बताएंगे। विधानसभा में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा भारी जमावड़ा है, एक तरह से कह सकते हैं सभी बूथ की इकाइयाँ, सभी सेक्टर, सभी मंडल पूरी तरह से सज्ज है, इसलिए मुझे बहुत कोई परिश्रम कठिनाई करने की आवश्यकता नहीं हो रही है। वहाँ पर डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी का, श्रीमान शिव प्रताप शुक्ल जी का, श्रीमान शीतल प्रसाद जी का, इन सब लोगों का जो है क्षेत्र शरद त्रिपाठी जी रहे हैं उनका, हमारे सांसद जी हमारे बगल में हैं, इन सब लोगों का क्षेत्र है और सभी लोगों का जो श्रेष्ठ काम रहा है उन सब चीज़ों का लाभ मतदाताओं को मिला है, इसलिए मतदाता वर्ग बड़े पैमाने पर खड़ा है वहाँ। वही अमेठी के 186 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने नामांकन किया। नामांकन के बाद अमेठी रियासत की अर्थकलह एक बार फिर सामने आई। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह की पहली पत्नी व अमेठी के वर्तमान विधायक गरिमा सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर संजीव कुमार मौर्य के पास पहुंचकर प्रत्याशी की तरफ से दिए गए हलफनामे के संबंध में आपत्ति जताई। विधायक ने भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह की तरफ से उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा न दिए जाने को लेकर आपत्ति दाखिल किए। उन्होंने कहा कि वह हक की लड़ाई लड़ने के लिए आई हैं। अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पूरा कलंदर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 2 लोग अभी फरार हैं। बता दें कि 2 दिन पहले युवक अपने भतीजे के साथ कचहरी जा रहा था, तभी हत्या आरोपियों ने क्वालिस गाड़ी से एक्सीडेंट कर मारने की कोशिश की। एक्सीडेंट में मौत न होने पर गाड़ी से उतर कर हत्यारोपी ने हथौड़े से वार कर युवक की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल गए हथियार और मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। भदरसा से पारा गांव के बीच में एक घटना हुई, जिसमें 2 लोग जो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, सूर्यप्रकाश दुबे और उनके भतीजे, उनको एक क्वालिस गाड़ी से टक्कर मारी गई और टक्कर मारने के उपरांत जो बदमाश थे उसमें से उतरकर उन पे डंडे तथा अन्य भारी ऑब्जेक्ट से उनके चेहरे पे हमला किया, जिससे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उनको मृत घोषित किया गया। इस
मामले में जब ज्ञात किया गया तो ये एक सुनियोजित प्लान्ड हत्या का मामला था, जिसमें गाड़ी भी अभियुक्तों द्वारा खरीदी गई थी इस पर्पज से कि गाड़ी से टक्कर मार के जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके ऊपर चढ़ा के उनको मार दिया जाएगा और उसको एक एक्सीडेंट के रूप में शो किया जाएगा। पुलिस ने इस पूरे घटना को वर्कआउट किया है, 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम दिनेश, रामकुमार और ओम प्रकाश पांडे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।